बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एक सवाल पूछा गया है, मैं जिससे शादी करना चाहती हूं, इसकी शादी पहले से हुई हुई है और इनकी वाइफ दूसरी शादी की इजाज़त नहीं दे रही, तो हम कोर्ट मैरिज कर सकते हैं क्या इनकी वाइफ को बताए बगैर? प्लीज़ मुझे रिप्लाई करें। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखें, सेकंड मैरिज की जो परमिशन है उसके हवाले से जो लॉ पाकिस्तान में प्रिवेल कर रहा है और इस हवाले से जो 2015 के अंदर अमेंडमेंट की गई थी उसको जो है वो काफ़ी गलत तौर पर समझा गया है और ये समझा जा रहा है कि दूसरी जो है अगर शादी करनी है तो पहली बीवी से जो है वो इजाज़त लेना लाजमी है, लेकिन ऐसा नहीं है। लॉ में कहीं पर भी डिफ़ाइन नहीं किया गया है कि दूसरी जो पहली बीवी है उसकी परमिशन लाजमी है दूसरी शादी के लिए, तो ऐसा कहीं पर भी कानून के अंदर बयान नहीं किया गया है। देखिए, सबसे पहले हम जो है इस हवाले से जो है जो कुरान पाक में सूरह निसा की आयत नंबर 3 है उसमें जो है वो एक क्लियर तौर पर जो है वो सेकंड पर जो है वो मैरिज के हवाले से जो है वो इजाज़त दी गई है कि आप एक से ज़ायद जो है वो शादी कर सकते हैं, लेकिन जहां पर जो है वो एक से ज़ायद शादी करने की इजाज़त दी गई है वहाँ पर ही इसी आयत के अंदर आगे बयान कर दिया गया है कि अगर जो है तुम समझते हो कि जो है तमाम दोनों बीवीज़ के दरमियान जो है वो इंसाफ नहीं कर सकोगे, तमाम के दरमियान जो है वो यकसा सलूक नहीं रख सकोगे, उनके राइट्स को कंप्लीट नहीं कर सकोगे, तो फिर एक ही शादी काफ़ी है। तो यहाँ पर भी जो है वो कुरान पाक में भी अगर जो है वो दो से एक से ज़्यादा शादी की इजाज़त दी गई है तो वहाँ पर तमाम जो बीवियाँ हैं उनके दरमियान जो है वो मसावी तौर पर जो है वो सलूक करने का भी हुक्म दिया गया है और ये भी क्लियरली तौर पर बयान कर दिया गया है कि अगर जो है वो तुम जो है वो तमाम के दरमियान जो है वो यकसा सलूक नहीं कर सकते हैं तो एक ही काफ़ी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो है वो एक से अगर आप तमाम के दरमियान जो है वो अगर यकसा सलूक नहीं कर सकते तो फिर एक ही शादी काफ़ी है और फिर सेकंड की परमिशन आपको नहीं है। सेकंड की परमिशन सिर्फ उसी सूरत में है कि अगर तमाम के दरमियान जो है वो यकसा सलूक कर सकते हो और उनके दरमियान जो है उनके राइट्स को जो है वो इक्वली तौर पर जो है वो आप पूरे कर सकते हो। तो इसी आयत को मद्देनजर रखते हुए जो है वो लॉ बनाया गया है, लॉ का बनाया गया है कि कहीं पर भी अब कानून में भी इस चीज़ के ऊपर कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि आपने जो है अगर दूसरी शादी करनी है तो पहली बीवी की जो इजाज़त लाजमी है, ऐसा कहीं पर भी कानून में बयान नहीं है। बल्कि जो है जो कानून के अंदर जो सेक्शन 6 है मुस्लिम फैमिली लॉज 1961 का, उसके अंदर जो है वो एक तरीक़ाकार जो है वो बयान किया गया है सेकंड मैरिज के हवाले से। उसमें क्या है कि आप जो है वो एक रिटर्न तौर पर जो है वो मुतलका यूनियन काउंसिल को, आर्टिफिशियल काउंसिल को जो है वो आप एप्लीकेशन देंगे सेकंड मैरिज के हवाले से और उसमें रीजंस बयान करेंगे कि आप किस रीज़न की वजह से जो है वो सेकेंड मैरिज करना चाहते हैं। उसमें रीजंस डिफरेंट हो सकती हैं, आप जो है वो पहली बीवी से औलाद का ना होना, या आप जो है साहिब इस्तेतात भी हैं और आप दोनों बीवीज के दरमियान यकसा सलूक भी कर सकते हैं, देन भी आप ये भी रीज़न हो सकती है, आप उस पर भी जो है वो लिख के जो है वो मुतलका यूनियन काउंसिल से आरबीटी काउंसिल में जो है वो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं और उसमें जो है वो परमिशन की जो है वो इस्तदा करेंगे। अब जो आर्टिफिशियल काउंसिल का काम है, आर्टिफिशियल काउंसिल का काम क्या है कि आर्टिफिशियल काउंसिल जो है वो अगर पहले से जो पहली वाइफ है या एक से ज़ायद बीवी हैं उनको बुलाएगी, उनको बुलाने के बाद उनसे पूछेगी कि आपके जो है वो लीगल राइट्स जो हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं, आपके ये इस रीज़न की जो है वो वजह से जो है वो कोर्ट के अंदर जो है वो आर्टिफिशियल काउंसिल के अंदर जो है हमें एप्लीकेशन मौसूल हुई है सेकंड मैरिज के हवाले से, तो उनका बयान जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर जो है वो कहते हैं कि हमारा जो है वो हमें मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा तो आर्टिफिशियल काउंसिल जो है वो इसके ऊपर जो है वो ख़र्चा भी जो है वो मुकर्रर कर सकती है। उसके अलावा अगर जो वो ये उज़र पेश करती हैं कि जनाब जी हमें तो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है तो उसके लिए भी जो है वो लॉ मौजूद है।
तो यहाँ पर जो है वो जो रीज़न आप जो है वो मुतलका यूनियन काउंसिल के अंदर आर्टिबिशन काउंसिल को बता रहे हैं उसको सिर्फ वेरीफाई करने के लिए उसके ऊपर जो है वो खातून का बयान जो है वो पहली बीवी को जो है वो बुला के उससे पूछा जाएगा। इसमें उसकी परमिशन उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम परमिशन देती हो तो हम देंगे अदरवाइज नहीं देंगे, ऐसा कहीं पर भी जो है वो कानून में नहीं है। बल्कि जो है इस बारे में बताया गया कि आर्टिफिशियल काउंसिल जो है वो इसके ऊपर जो है वो डिसीजन करेगी कि आया जो है जिस रीज़न की वजह से जो है ये सेकेंड मैरिज करना चाह रहे हैं वो क्या वैलिड है। अगर तो वो उनको सफिशेंट लगती है और मुनासब लगती है कि और इसके ऊपर वो ठीक लगती है कि तमाम के अंदर जो है वो यकसां सलूक भी कर रहा है और इनकी जो रीज़न जो है वो सेकेंड मैरिज के लिए बयान कर रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, तो इसके ऊपर जो है वो सेकेंड मैरिज की जो है वो परमिशन ग्रांट कर देंगे। तो एप्लीकेशन जो है वो आपने मुतलका आर्टिफिशियल काउंसिल को यूनियन काउंसिल के अंदर देनी होती है और उन्हीं का काम है कि वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो कंसीडर करेंगे कि इसको समझेंगे कि आया जो है वो सेकेंड परमिशन देना ज़रूरी है या नहीं है। ठीक है, अगर जो है वो आपकी रीज़न वैलिड है तो देन जो है वो इसके ऊपर जो है वो आपको परमिशन ग्रांट कर देंगे। और इस परमिशन के साथ जो है अगर जो है वो पहली जो आपकी बीवी है अगर उसका कोई हक महर मौजूद है तो वो फौरी तौर पर अदा करना पड़ेगा। अगर जो है हक महर ज़्यादा है आपके पास पे करने के लिए नहीं है तो आपकी प्रॉपर्टी से वो रिकवर होगा। अदरवाइज सेकंड अगर आपको सेकंड मैरिज की परमिशन मिलती है तो पहली वाइफ का हक महर जो है वो आपको हर सूरत जो है वो पे करना पड़ेगा। तो इसमें जो है क्योंकि जो केसेस जो हैं वो जनरली तौर पर जो है वो यहाँ पर आते हैं उसमें होता क्या है कि पहली जो बीवी है उसके राइट्स कंप्लीट नहीं हो रहे होते और जो है वो मर्द जो है वो दूसरी शादी जो है वो इसके ऊपर कर लेता है और इन रिज़ल्ट क्या होता था कि जब भी फिर पहली बीवी जो है वो अपने राइट के लिए जो है जब कोर्ट के अंदर जाती थी या अपनी लीगल कार्रवाई करती थी तो जो है पहला मर्द जो है वो उसको फिर डाइवोर्स दे देता था या डिफरेंट जो है वो झगड़ों की सूरत में जो है वो तमाम जो है वो हकायक जो है वो तमाम कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो सामने आते थे। तो इसीलिए ये कानून बनाया गया है और इसके अंदर जो है वो पहली बीवी की जो है वो परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आपने जो एप्लीकेशन है वो यूनियन काउंसिल को देनी है, मुतलका यूनियन काउंसिल जो है उस यूनियन काउंसिल ने इस चीज़ को देखना है कि आया जो आपने रीज़न जो है वह बयान की है वो जस्टिफाइबल है, वो बिल्कुल वैलिड है। अगर तो वो वैलिड होगी तो वो आपको सेकंड मैरिज की जो है वो परमिशन ग्रांट कर देगी। अगर जो है वो आपकी परमिशन वैलिड नहीं होगी तो वो आपकी एप्लीकेशन को जो है वो रिजेक्ट कर देगी और उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट जो है वो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जो है वो रिविजन फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी फर्दर कोर्ट के अंदर या रिवीजन अगर आपकी भी जो रिवीजन भी जो है वो रिजेक्ट हो जाती है तो आपके पास फर्दर जो है वो आप कोई अपील वगैरह जो है किसी फर्दर कोर्ट के अंदर जो है वो नहीं कर सकते हैं। अगर जो है कोई भी शख्स जो है वो दूसरी शादी कर लेता है तो बिना परमिशन के तो इसके ऊपर जो है वो 1 ईयर की पनिशमेंट है और 5 लाख रुपए तक जो है इस पर जुर्माना हो सकता है। और इसमें जो है अगर मर्द जो है दूसरी शादी करता है विदाउट परमिशन तो इसमें पहली जो वाइफ है वो भी इसके अगेंस्ट जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं। इसके अलावा जो है अगर सेकंड जो है वो मैरिज कर रहा है और जो सेकंड मैरिज कर रहा है उस अपनी दूसरी जो वाइफ है उसको इस चीज़ के बारे में लाइलम रखता है कि मेरी पहले से शादी हुई हुई है और वो परमिशन नहीं लेता और शादी कर लेता है तो जो दूसरी बीवी है वो भी इसके अगेंस्ट जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है। तो इस तरह से जो है वो आपने मुतलका यूनियन काउंसिल को एप्लीकेशन देनी होती है, मुतलका यूनियन काउंसिल ने इस चीज़ के ऊपर डिसाइड करना होता है कि आप जो रीज़न बयान कर रहे हैं वो वैलिड है या नहीं है। अगर वो वैलिड होगी तो उसके ऊपर जो है वो आपको परमिशन ग्रांट कर देगी। तो जो पहली वाइफ है उससे जो है वो परमिशन जो है लेना लाजमी नहीं है, सिर्फ उसका बयान ज़रूर जो है वो तलब करके आर्टिफिशियल काउंसिल उनको तलब करके उनका बयान ज़रूर रिकॉर्ड करेगी, उनसे पूछेगी कि आपके राइट्स जो है वो कम्प्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आपको हक महर मिल गया है या नहीं मिल गया है। तो इन चीज़ों को देखने के बाद जो है वो सिर्फ जो पहली बीवी है उनका जो है वो सिर्फ बयान रिकॉर्ड करना, उनकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना, उनका मौकफ लेना सिर्फ जो है वो पाबंद है आर्टिफिशियल काउंसिल। इसके अलावा अगर जो है वो पहली बीवी जो है वो परमिशन ग्रांट नहीं करती है, वो इजाज़त नहीं देती है, लेकिन आर्टिफिशियल काउंसिल अगर समझती है कि जो है वो इसकी जो खामन है उसकी जो रीज़न बयान की गई है वो वैलिड है तो वो इसके ऊपर परमिशन ग्रांट कर देंगे। तो बाकी जहाँ तक आपने ये कहा है कि हम कोर्ट में अगर
अगर जाके मैरिज कर लेते हैं तो इसमें जो है वाइफ को बताए बगैर, तो आप चाहे कोर्ट के अंदर जाके सेकंड मैरिज कर लें, चाहे वो आप कोर्ट मैरिज के अलावा करें, तो परमिशन अगर लेना लाजम है। अगर आप परमिशन नहीं लेंगे तो इसके ऊपर पनिशमेंट है। आप तो आप जब भी निकाह खान जो है वो निकाह परवाने लगते हैं तो वो इस चीज़ के ऊपर लाजमी जो है अब तो पूछना शुरू हो गए हैं। और इसके ऊपर अगर सेकंड मैरिज कर रहे हैं तो वो पहली मैरिज से जो है का जो परमिशन का जो है सर्टिफिकेट है वो लाजमी इसके ऊपर जो है वो अब मांगते हैं। तो आई होप जो है वो आपका जो क्वेश्चन है, इसके अलावा से जो क्यूरीज थी आपकी, वो क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर इस मौजू से मुतलका अगर आपका कोई सवाल हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।